आपका कमेंट भी प्लेस करिए कि आप मेरे नेक पीस का वीडियो चाहते हैं, और अगर मेरे वीडियो को सच में आपने और मेरे वीडियो को अगर हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। आई होप सो कि आप सारे स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आज ब्लॉग शूट करने का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, अपना सारा एक्सेसरीज सॉर्ट आउट कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पास काफ़ी सारे इयररिंग्स के कलेक्शन हैं और वो चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को बिना दिखाए कैसे रख सकती हूँ। सो फिलहाल मेरे पास जितना ही इयररिंग कलेक्शन है सारा कुछ वेस्टर्न आउटफिट के साथ, इंडियन के साथ, सो मैं एक एक करके अपने इयररिंग्स का कलेक्शन आप लोग के सामने शो करती हूँ। सो दीज आर माई ऑल द टाइम फेवरेट झुमका। ये काफ़ी हैवी है एंड बट ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने एक दो शादी में पहना था और इसके बाद मैं एक टॉप दिखाती हूँ। ये एक्चुअली गोल्ड का नहीं है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, इसके साथ उसने मेरे को मंगलसूत्र गिफ्ट किया था तो वो तो ख़राब हो चुका है, वो मेरे पास अभी नहीं है, बट इसका इयररिंग अभी भी अच्छे हैं। दीज आर यू नो दीज लाइक अफगानी जो ड्रेसेस होते हैं हमारे पास, लखनवी अफगानी ड्रेसेस होते हैं, उसके साथ ये बहुत अच्छा जाता है। और ये जितना हैवी दिख रहा है ना, ये बहुत लाइट वेट है। ये कैप्चर नहीं हो रहा है बट इसके ऊपर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है एंड अगेन ये भी मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया है। सारा ब्यूटीफुल स्टड्स, ये काफ़ी खूबसूरत है और मुझे याद है मैंने रिसेंटली लिया है, मैं ऑफिस से रिटर्न आने के टाइम पे मैंने इसे ट्रेन के वेंडर से खरीदा है। दीज आर ऑल्सो माई फेवरेट झुमकास। व्हेन आई वोर सम इंडियन आउटफिट तो उसके साथ मैं इसको क्लब करती हूँ। दीज आर ऑल्सो माई फेवरेट बट ये उतना पहनना नहीं होता है अभी, का स्किन थोड़ा सा वो फिश के स्किन की तरह है, इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट बट देखने में वैसा ही आता है। और मैं पहनती हूँ जिस तरीके से अमेरिकन डायमंड होती है ना, उस तरीके से ये कोरियन डायमंड में आता है। ये बहुत छोटा है इसीलिए, बट दीज आर ऑल्सो गिफ्टेड by my sister again, और ये थोड़ा सा heavy है but these are also given as अफगानी look। अगर आप long align कुर्ती के साथ इसको क्लब करते हैं तो बस हाथ में एक बैंगल डाल लीजिए या एक अंगूठी डाल लीजिए। मल्टी कलर के और एक इयरिंग है। यू नो इन इयररिंग्स के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको कोई पर्टिकुलर एक कलर का आउटफिट के साथ इसको कैरी नहीं करना होता, ये किसी भी आउटफिट के साथ आराम से क्लब करके आप पहन सकते हैं। अगेन गिफ्टेड बाई, बट इस बार सिस्टर का नहीं है, ये मेरी ननद ने मुझे गिफ्ट किया है। एक्चुअली वो खुद के लिए लेने गई थी तो उन्होंने मेरे लिए भी एक लिया है। सो लाइटिंग की वजह से इसका कलर समझ में नहीं आ रहा बट इसके अंदर का पोर्शन सिल्वरी है और ऊपर में गोल्डन है, सो यू कैन कैरी इट विथ एनी काइंड ऑफ ड्रेस लाइक वेस्टर्न इंडियन किसी के साथ भी आप पहन सकते हैं। अब मैं दो इयररिंग दिखाती हूँ जो मेरे बहुत मेरे इन कलेक्शंस में से शायद सबसे पुराना कलेक्शन है क्योंकि ये मेरी शादी के पहले के इयररिंग्स हैं। एक्चुअली ये इयररिंग्स पहनने के पीछे एक अलग इमोशन है। ये इयररिंग्स मैं शायद कभी ना फेंकूँ क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा डल हो गया है बट ये अभी पहनने के लिए काफ़ी अच्छा है, पिंक आउटफिट के साथ काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली शादी के पहले मैंने और अरिंदम ने ऑफिशियली जो हमारा मेरे जन्मदिन के दिन हमने मीट किया था अकेले, हम लोग मानी स्क्वायर मॉल में मिले थे, सो ये मैंने उस दिन पहना था तो इसके साथ काफ़ी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, सो इसीलिए मैंने इसको पूरा पहना।
ये इयरिंग का यहाँ से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ से थोड़ा सा कलर छोड़ने लगा है, बट इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है ना, जैसे महाराष्ट्र में वो नथ पहनते हैं उस डिज़ाइन का, बट ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये इयरिंग का है, बट इसका डिज़ाइन और इसका स्टाइल इतना अच्छा है ना कि मैं इसको फेंक नहीं पाती हूँ। और मैं उसको अभी भी कैरी, मतलब मैंने इसको अभी भी काफ़ी पहना हुआ है और मैं आगे भी इसको पहनूंगी। दीज आर ऑल्सो अ नाइस पेयर ऑफ इयरिंग्स। एक्चुअली ये इयरिंग नहीं है, इसका हार के साथ मैंने ख़रीदा था, बट इसको अभी मैंने इयरिंग्स के कलेक्शंस के साथ रखा हुआ है, तो अभी मैं इयरिंग में दिखा रही हूँ। मेरे पास लॉकेट और बड़े बड़े जो हार का है वो भी कलेक्शन है। तो ये था मेरे इयरिंग का कलेक्शन। अगर आपको मेरे नेकपीस का कलेक्शन भी देखना है तो आप इस वीडियो को बहुत सारे लाइक दीजिए, और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और इस बात का कमेंट भी प्लेस करिए कि आप मेरे नेकपीस का वीडियो चाहते हैं। तो जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आएंगे मैं उतनी जल्दी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड फील करूँगी। सो फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आप सच में मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट मी फॉर माय वीडियोस। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।